माई सेल्फ सर्विस कौशल एंड नाउ वॉचिंग प्रो नंबर 2। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के थ्रू कैसे रेनबो क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक्स में। ठीक है, तो ये एक नया सेक्शन होगा, इसको ग्राफिक्स में आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग रेनबो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेनबो के कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्बो सी प्लस ओपन कर देते हैं। टर्बो सी प्लस मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नए विंडो को ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू पेज पे गए और ये न्यू पेज हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेनबो हमें स्टार्ट करना है। और रेनबो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए ज़रा क्या हो रहा है कि मैंने एक फ़ाइल ली, जैसे studio.h, ये मैंने हेडर फाइल लगाई एंड konio.h हेडर फाइल लगाई। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज में कैसी प्रोग्रामिंग करते हैं, कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी CY बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। इसका मतलब ब्लैक विंडो पर सारा चीज़ होता है। तो अगर मुझे इसमें ग्राफिक्स ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मान लो मैंने एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट किया। ठीक है, सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया, ये मान लो वेलकम। ठीक है, और ये मैंने गेट सीएस लगा के इसको रोक दिया। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ, इसको मुझे बनाना है रेनबो, one.c इसकी फाइल मैंने बनाई, और मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो अभी आप देखोगे वेलकम सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट हुआ। अब देखना ये है कि ये जो विंडो आपके सामने आ रही है ये एक ब्लैक विंडो है जो कि कंसोल विंडो है, और कंसोल पर हम ग्राफिक्स तो शो कर नहीं सकते, यानी मुझे इसको GUI फॉर्मेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इस पेज को, ये जो कंसोल बेड पेज आ रहा है जहाँ पर हम आउटपुट देख रहे हैं CY को, मुझे इसको GUI में कन्वर्ट करना है। और GUI में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम कैसे क्या कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में कैसे हम ग्राफिक्स इनिशियलाइज करेंगे, वो हमें सबसे पहले बेसिकली देखना है। ठीक है, तो मैंने ये जो किया इसका कोई मतलब नहीं था, बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि अगर मुझे इसको इनिशियलाइज करना है, ग्राफिक्स इनिशियलाइज करना है, तो क्या करें। तो ग्राफिक्स इनिशियलाइज करने के लिए सी लैंग्वेज में फंक्शन दिए गए। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन दिया गया सी लैंग्वेज में, वो फंक्शन है इनिट ग्राफ। ठीक है, यानी हमारे पास फंक्शन दिया गया, उसका नाम क्या है, इनिट ग्राफ। ठीक है, इनिट ग्राफ एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइज ग्राफ, यानी ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करना, क्योंकि अभी हमने ब्लैक विंडो दिखाया था, वहां पर इसको इनिशियलाइज करने के लिए ग्राफिक्स विंडो पर जाना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये तीन आर्गुमेंट लेता है। पहला ड्राइवर का नाम लेता है, ग्राफिक्स ड्राइवर का नाम देना पड़ता है, फिर ग्राफिक्स का मॉड देना पड़ता है, मैं अभी आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको बताना पड़ता है ड्राइवर कहाँ पर मिलेगा, यानी ड्राइवर का लोकेशन। मतलब ये हुआ कि ये तीन आर्गुमेंट लेता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर्गुमेंट लेता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बताना पड़ेगा सिस्टम को कि ड्राइवर का नाम क्या है और ड्राइवर कहाँ से आपको लेना है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जी ड्राइवर, यानी ग्राफिक्स ड्राइवर इज इक्वल टू। अब ग्राफिक्स ड्राइवर में हमें क्या लिखना होता है, हमको लिखना होता है, बताना पड़ता है ड्राइवर का नाम। अगर आपको ड्राइवर नाम पता है तो ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक क्या करे, इसको डिटेक्ट कर ले कौन सा ड्राइवर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है, इसका नाम है डिटेक्ट। ये एक इनम वैल्यू है, इनम डेटा टाइप है, और इनम डेटा टाइप का मैंने वीडियो मेरे उस पर प्लेलिस्ट में है सी लैंग्वेज में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इनम का मतलब क्या होता है। तो ये डिटेक्ट जो मैंने लिखा है इसको कैपिटल में लिखना है, जिससे ये क्या करता है, हमारे सिस्टम के अंदर ऑटो डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वो चेक कर लेगा कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल है। ठीक है, साथ यानी ग्राफिक्स ड्राइवर कौन सा इंस्टॉल है ये बताने के लिए हम डिटेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात आती है जी मॉड, मैंने ग्राफिक्स मॉड यूज़ किया, और अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर मैं एरर को भी लिख लेता हूँ, उसका नाम लिख लेता हूँ जी एरर, मतलब ग्राफिक्स एरर। ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो GD ड्राइवर की इक्वल टू हमने डिटेक्ट लिखा है, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। डिटेक्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए भाई अब इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, ग्राफिक्स ड्राइवर के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर ड्राइवर का नाम देंगे, और ड्राइवर का नाम देने का मतलब हुआ ग्राफिक्स ड्राइवर किसके अंदर है, डिटेक्ट करने पर ऑटो डिटेक्ट हो रहा है इसके अंदर आए, तो मैं इसका एड्रेस पास करूँगा, यानी एड्रेस कैसे, एंड जी ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, और मॉड लिखने के लिए मैंने क्या बोला, जी मॉड आता है, तो ये ग्राफिक्स मॉड अपने आप यहाँ से लेगा, कैसे, एंड ऑपरेटर लगा के, यानी एड्रेस दे दिया। तो ये मैंने दो चीज़ दिया, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो बस आप इतना फोकस करिए कि ड्राइवर का नाम क्या है और ये मॉड क्या है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें लोकेशन देना होता है, अगर हमें लोकेशन नहीं पता तो हम जनरली इसको क्या देते हैं, ब्लैंक दे देते हैं, ब्लैंक का मतलब कि सिस्टम खुद से इसको डिटेक्ट करे,
बट अगर आपको पता है तो हम लोकेशन देंगे। चलिए तो मैं देखता हूँ कि इससे क्या होगा। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे ये जानना है कि ये ग्राफिक्स मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया, अब जानना है कि वाकई में ये इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ ग्राफिक्स, ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे चेक करेंगे और ग्राफिक्स को इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए हमें एरर को चेक करना पड़ेगा। और एरर बताएगा कौन, इसके लिए जी एरर नाम का ये जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं यूज़ करूँगा। और ग्राफिक्स का एरर बताने के लिए फंक्शन है कि ग्राफिक्स हुआ कि नहीं, ग्राफिक्स इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम है ग्राफ रिजल्ट। क्या नाम है, ग्राफ रिजल्ट। ये बने बनाए फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको सारे पास बताते जा रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना है। इनिट ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करता है, और ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करने से पहले आपको ग्राफिक्स ड्राइवर बताना पड़ता है। इसमें हमें कैप्टन लिखना होता है डिटेक्ट, ग्राफिक्स मॉड देना होता है, ग्राफिक्स का एरर, अगर कोई एरर आएगी तो ग्राफिक्स एरर में आएगी, यहाँ पर एरर कोड आएगा। और एरर आया कि नहीं आया ये कौन देगा, ग्राफिक्स रिजल्ट नाम का फंक्शन यहाँ पर देगा। अगर इनिशियलाइज नहीं हुआ तो ग्राफिक्स एरर यहाँ पर देगा। अब ये देता क्या है, यानी एरर के अंदर आता क्या है, आती है वैल्यूज, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर ग्राफिक्स एरर की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जी आर ओके है। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, जी आर ओके क्या है, जी आर ओके मतलब है ग्राफिक्स ओके। अगर ग्राफिक्स ओके है, यानी मैंने क्या बोला, नॉट इक्वल टू ग्राफिक्स ओके, इसका मतलब है ग्राफिक्स एरर में जो वैल्यू आई है अगर वो ग्राफिक्स ओके आ रहा है तब तो ग्राफिक्स क्लियर है, और अगर नहीं है यानी ग्राफिक्स ओके नहीं मिला, यानी अगर इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफिक्स इक्वल टू एरर इक्वल इक्वल टू ग्राफिक्स ओके, इसका मतलब है सब कुछ ओके है, और अगर नहीं है इसका मतलब ग्राफिक्स इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो क्या करना है, एक मैसेज देना है सामने, और उस मैसेज में लिखना है प्रिंट एफ ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मान लो दे दिया, ठीक है, चलो ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इनिशियलाइजेशन में हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब बात आती है कि अगर मान लो मैं इसको रन कराता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो तो यहीं पे रुक जाए, या चलिए इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको चेक करता हूँ होता क्या है, देखना ये है। मैंने क्या किया, सीधे इसको रन कराया एक मिनट, हाँ तो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही, क्योंकि डिटेक्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए एक हेड फाइल लगानी पड़ेगी, उस हेड फाइल का नाम है ग्राफिक्स डॉट एच, इस हेडर फाइल को हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर ही ये जो इनिट ग्राफ फंक्शन है, ग्राफ रिजल्ट फंक्शन है, ये सारे के सारे डिफाइन है, और डिटेक्ट वगैरह डिफाइन है। तो मैंने इसको कंपाइल किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर आई। अब देख सकते हैं कि मैसेज जो वेलकम था पहले वाला पड़ा हुआ है, और उसके बाद मैसेज आ रहा है ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज, इसका मतलब है ग्राफिक्स इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं इनिशियलाइज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर आकर के एक क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, जिससे पता चल जाए पुराना डेटा हमारा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, और फिर से अगर मैं रन कराता हूँ तो मुझे एरर दिखेगी कि ये देखिए क्या मिल रहा है, ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज। क्यों इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें तो पता चल गई, ग्राफिक्स का ड्राइवर मिल गया, मॉड मिल गया, लोकेशन नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन बनता है लोकेशन कैसे पता चलेगा, तो एरर हमें नहीं पता चल रही कि एरर है क्या। तो इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, भाई नॉट इनिशियलाइज तो दे रहा है बट क्यों है ये नहीं बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज, और रीजन मैं यहाँ देता हूँ परसेंट एस से मैं प्रिंट कराऊँगा स्लैश एन, और यहाँ मैंने लगाया एरर को प्रिंट कराने के लिए, मतलब एरर क्या आई है ये बता करने के लिए फंक्शन है, उसका नाम है ग्राफ एरर मैसेज MSG, ग्राफ एरर मैसेज। और ये क्या लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है जो एरर स्टेटस आया है। तो एरर किसके अंदर आई थी, जी एरर के अंदर, तो मुझे जी एरर को पास करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ समझिए, हमने क्या किया, ग्राफिक्स नॉट इनिशियलाइज मैसेज आएगा परसेंट एस के फॉर्म में, यानी जो ग्राफिक्स मैसेज आई थी उस मैसेज को स्ट्रिंग फॉर्म में मुझे प्रिंट कराना है। तो मैंने परसेंट एस यहाँ लगाया, और इससे पता चल जाएगा कि एरर क्या आई है, और एरर को निकालने के लिए फंक्शन दिया गया, उस फंक्शन का नाम है ग्राफ एरर मैसेज MSG। ये बना बनाया फंक्शन है, और इसके अंदर हमें एरर कोड पास करना होता है। तो यहाँ पर जो एरर कोड आया था ना, उसी एरर को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक। चलिए भाई अब देखते हैं क्या होगा, और ऐसा होने के बाद यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो देखिए इससे पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्या मैसेज आ रहा है, ग्राफिक्स नॉट स्लाइस, एंड लिख रहा है डिवाइस ड्राइवर फाइल नॉट फोन, और देखो फाइल का नाम भी बता रहा है कौन सी फाइल नहीं मिल रही है, EGA VGA.BGI। अब EGA VGA.BGI लास्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये फाइल नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा ये फाइल है कहाँ। तो ये फाइल एक्चुअली में होती है हमारे सिस्टम के अंदर
सी ड्राइव के अंदर, बी जी आई के अंदर, ठीक है, जहाँ पर हमारा सी लैंग्वेज प्रोग्राम इंस्टॉल है उसके अंदर एक ये फाइल ऑटोमेटिक डिफाइन होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे दिखेंगे आपको, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप कहाँ जाना है, आप जाएंगे तो आपको ये देखिए मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, सी ड्राइव में गया। सी ड्राइव के अंदर हमारा जो सी लैंग्वेज है वो यहाँ इंस्टॉल है, आप यहाँ पर जाइए। इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है पी सी फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर आप जाएंगे तो बी जी आई नाम का एक फोल्डर होगा, और इसके अंदर जो जाएंगे तो जो फाइल हम ढूंढ रहे थे वो ये रही। कौन सी फाइल, जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, कौन सी फाइल थी, तो ध्यान से देखिए ये फाइल थी, लिखा भी था उसमें ega bga.bga, यही फाइल हमें मिसिंग है। इसका मतलब इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है टर्बो सी प्लस के अंदर टी सी फोल्डर के अंदर बी जी आई फोल्डर के अंदर, और हम लोग इस समय कहाँ हैं, टी सी फोल्डर के अंदर हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसका लोकेशन देना पड़ेगा, हम कहाँ पर हमें जाना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैं सीधा लोकेशन सेट कर दूँगा। देखिए कैसे लोकेशन सेट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लोकेशन बताएंगे। तो लोकेशन बताने के लिए मतलब यहाँ आपसे गलती ना हो, यहाँ पर हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर टी सी फोल्डर के अंदर बी जी आई फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब जब मैं ये लोकेशन दे दूँगा तो क्या होगा, ये एरर आना नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने क्या लिखा, अगर इनकेस ये एरर आती है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, एरर आने पर यहीं पे मुझे रोकना है, गेट सी एच लगाना है, रोकना है, और यहीं से एग्जिट हो जाना है। एग्जिट क्या है, एक बना बनाया फंक्शन है जिसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा वन। ये नॉन इंटीजर वैल्यू को, उसमें को जीरो वैल्यू लेता है, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी कि यहीं से बाहर आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ ग्राफिक्स अगर इनिशियलाइज नहीं हुआ तो इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही हमें देखना था, यही मेन लाइन थी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि कैसे ग्राफिक्स इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट, और लिख देता हूँ ग्राफिक्स एक्टिवेट। ठीक है, ये मैसेज दे दो, बस मुझे ये देखना है कि अगर ये होगा एरर आएगा तो ये मैसेज देगा, और अगर नहीं आएगा तो ये मैसेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफिक्स एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, तो सब कुछ देखते हैं ध्यान से। ओके, ग्राफिक्स नॉन स्लाइज ड्राइव डिवाइस ड्राइवर नॉट फाउंड। ओके, इसका मतलब है समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या है, और मैंने क्या लिखा है, सॉरी लोकेशन नहीं दिया ठीक से। ठीक है, तो ये मुझे लिखना था बी जी आई, तो मैंने क्या लिखा, फिर से क्या लिखता हूँ, देखो सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर डबल कोट्स टी सी के अंदर डबल कोट्स बी जी आई के अंदर, ठीक है, जाना है। फिर से मैं रन कराता हूँ इस बार, और सब कुछ सही होना चाहिए। चलिए ये देखिए आपका क्या हुआ, मैसेज आ गया ग्राफिक्स एक्टिवेटेड, यानी हमारा सिस्टम। और आपको यहाँ पर देखिए लिखने का जो डिज़ाइन है उससे भी आपको कुछ डिज़ाइन इफेक्ट दिख रहा होगा, कि जो ग्राफिक्स एक्टिवेट लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। यानी यहाँ पर ये जो मोड हमारा ब्लैक विंडो दिख रहा है, यहाँ पर ग्राफिक्स एक्चुअली में इनिशियलाइज हो चुका है। चलिए बस हमारा काम आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, बस अब हमें क्या करना है, हमें सीधे ग्राफिक्स इनिशियलाइज हो चुका है, अब हमें सीधे क्या करना है, रेनबो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रेनबो ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। रेनबो कैसे होता है, रेनबो ऐसे ही होगा, रेनबो इस कलर से ऐसे ऐसे डिज़ाइन होता है कलर फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, मुझे आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स पे जाएंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया था यहाँ पर मैं पोजिशन लूँगा एक्स कॉमा वाई, एंड इसको लूप चलाने के लिए ये, क्योंकि रेनबो में बहुत सारे कलर होते हैं, तो मैंने उसके लिए कलर फिल करने के लिए मैंने आई नाम का फंक्शन यूज़ किया, आई वेरिएबल यूज़ किया। ठीक है, अब जो रेनबो बनना चाहिए कहाँ पर, हमारे स्क्रीन के मिडिल में बनना चाहिए, हमारे स्क्रीन के मिडिल में यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, मिडिल के रन कराने के बाद तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस पूरे विंडो का मैक्सिमम साइज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक्स है और ऊपर से नीचे आएंगे तो वाई है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई पोजिशन मैं के मिडिल में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स इक्वल टू, अब एक फंक्शन है हमारे पास गेट मैक्स एक्स, ये क्या करेगा, हमारे जो विंडो है आउटपुट विंडो उसकी मैक्सिमम एक्स साइज बताएगा, और अगर मैं वाई टू कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा इसका मिडिल कहाँ है। ऐसे ही सेम वाई इज इक्वल टू गेट मैक्स वाई, ये भी एक बना बनाया फंक्शन है, अगर मैं वाई टू कर दूंगा तो हम मिडिल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया एक्स और वाई, जिससे मैं मिडिल से क्या करूं, अपना रेनबो को ड्रॉ कर सकूं, इसलिए। ठीक है, और उसके लिए फंक्शन यूज़ किया गेट मैक्स एक्स गेट मैक्स वाई। गेट मैक्स एक्स क्या करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम इसका वाई वैल्यू क्या है वो निकालने काम आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर क्लियर नहीं होता तो वीडियो के बाद दोबारा फिर से प्ले करके देखिएगा, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लगभग हम लोग काफ़ी क्लोज हो चुके हैं फंक्शन के। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स और वाई पोजीशन मिल गए, और मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। मैंने लिखा आई इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने आई लिखा था तो मैं चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हो, अभी मैं बताऊँगा 10 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। आई लेस देन और इक्वल टू 200 तक जाओ, और आई प्लस प्लस करते जाओ,
अब मुझे पता है कि हर बार एक नया कलर मिलना चाहिए, और जो कलर होता है वो ग्राफिक्स में कलर लाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है सेट कलर। क्या नाम है? सेट कलर। अब सेट कलर के पास, सेट कलर जो फंक्शन है, ये वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू पास होती है वो पास होती है 0 से लेके 15 के बीच में, यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 15 के बीच में। तो मुझे अगर इसको कलर देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर आई देता हूँ तो ये 10 से स्टार्ट होगा 200 तक जाएगा, लेकिन कलर हमारे पास 0 से लेके 15 है, यानी 16 है। तो अगर मैं बाई 10 कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, आई बाई 10, 10 की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 को मैंने अगर इससे मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब पहला कलर हमें मिल जाएगा, 0 के बजाय पहला कलर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये आर्क के फॉर्म में ड्रॉ हो, आर्क के लिए हमारे पास फंक्शन होगा, उसका नाम है आर्क। ये क्या लेता है, 3 वैल्यूज लेता है। पहला लेता है हमारा एक्स पोजिशन, कहाँ पर ड्रॉ करना है, वाई पोजिशन, स्टार्ट एंगल 0 से स्टार्ट होना है, और हमें पता है कि हाफ ही हमारा सर्कल बनता है, जो रेनबो है वो हाफ ही बनेगा, पूरा 360 डिग्री तो होगा नहीं, तो 0 से लेकर 180, यानी 180 डिग्री। एंड देन ये कैसे, इसका रेडियस क्या हो, यानी इसका रेडियस कितना हो, ये मुझे बनाना है कि रेडियस के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला कि रेडियस जो है, जो 10 है, स्टार्ट कहाँ से हो, जितनी वैल्यू है उसमें से उतना एक हर बार कुछ कम माइनस कर देता हूँ। तो मैंने कहा रेडियस चाहिए मुझे, तो मैंने कहा आई, अगर मैं आई कहता हूँ इसका मतलब 10 से स्टार्ट होगा, तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा स्टार्टिंग। तो मैंने कहा 10 माइनस 10, इसका मतलब फर्स्ट टाइम 10 माइनस 10 होगा, अगली बार 11 माइनस 10 होगा, यानी पहली बार होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे करके क्या होता जाएगा, रेडियस बनता जाएगा। पहली बार 0 हुआ, देखिए अभी समझ में आएगा, परेशान मत होइए, इसको हम देखते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे बनना चाहिए, धीरे धीरे बनना चाहिए, तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, एक अच्छा एक काम करते, इतने से क्या होगा पहले ये देखते हैं, ठीक है। मैंने रन कराया और देखिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, ये देखिए एक मेरा, चलिए भाई ये हमारा रेनबो तैयार हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि इतनी तेज़ी से ये काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, डिले फंक्शन। डिले नाम का फंक्शन जो है क्या करता है, ये लेता है पॉज करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, यानी 100 मिली सेकेंड मैंने पास किया, और 100 मिली सेकेंड का मतलब है कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ये काम कंप्लीट करे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम रन कराते हैं, तो देखिए भाई जो हम चाहते थे वो काम हमारा हो गया, और ये देखिए ज़रा हमारा जो रेनबो है वो तैयार हो गया, और ये धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा, तो आपको ये सारे फंक्शन क्लियर होंगे, उनके बारे में बात पता चलेगी कि क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब आपको जितना बड़ा इसका रेडियस के अकॉर्डिंग बनाना है, आप उसके हिसाब से वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए मैंने 10 से लिखा और मैंने कहा 250 तक जाओ, ठीक है। ये यानी 25 ही टाइम बनेगा, क्योंकि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसकी रेडियस को कम कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, हर बार ये क्या करेगा, एक एक कम करके एडजस्ट करेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से मैंने रन कराया। अब देखिए इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। साइज़ कैसे बढ़ेगी, देखिए ज़रा, और देखिए कहाँ तक ये जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको 250 तक चलाया है, और इसकी वैल्यू को हमने सेट किया है। आर्क जो फंक्शन है वो टोटल चार पैरामीटर लेता है। पहला एक्स वाई, कहाँ से स्टार्ट होना है, स्टार्ट एंगल 0, एंड एंगल 180 डिग्री है, देख रहे हैं, क्योंकि हाफ सर्कल बना रहे हैं, आर्क है। एंड देन लास्ट में आपको देना है रेडियस। आई होप यहाँ पर देखिए ये पूरा हमारा एक काफ़ी खूबसूरत सा तैयार हो गया रेनबो, ठीक है। चलिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, सबसे लास्ट पॉइंट, और कुछ नहीं है इसमें, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लास्ट में जब हमारा ये काम हो जाता है ना, तो ग्राफिक्स को क्लोज करना भी ज़रूरी होता है, यानी ग्राफ मैं चाहता हूँ कि इनिशियलाइज जो हुआ था वो क्लोज भी हो जाए, यानी इनिशियलाइज यहाँ से किया था, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम को फिर से उसी स्टेट में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है क्लोज ग्राफ। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन माना जाता है, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, क्लोज ग्राफ यूज़ करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे सिस्टम में जो ग्राफिक्स मोड मैंने इनिशियलाइज किया था उसको डीएक्टिवेट करने का काम कौन करता है, क्लोज ग्राफ। और ये क्लोज ग्राफ हमेशा क्लोज फंक्शन कंप्लीट होने के बाद, यानी गेट सीएच के बाद लगाना चाहिए, देखिए। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, हमारा सिस्टम फिर से उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में पहले था। ये देखिए ग्राफिक्स मोड बन गया, पहले कहाँ था, कंसोल मोड था। ग्राफिक्स मोड में आने का फायदा क्या मिला, यहाँ पर कलर वगैरह आपको दिख रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है ब्लैक विंडो पर कोई कलर वगैरह दिखाई नहीं देता। तो ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करने का काम किया किसने किया, इनिट ग्राफ ने, और बाद में डीएक्टिवेट करने का काम किसने किया, क्लोज ग्राफ ने, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बेहतर समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है।
चलिए, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको कुछ फंक्शंस याद रखने हैं, जैसे कि इनिट ग्राफ, ग्राफ रिजल्ट। इनिट ग्राफ तीन आर्गुमेंट लेता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके साथ डिटेक्ट लेना है, ये हर बार लिखना होता है ग्राफ को इनिशियलाइज करने के लिए। ग्राफ रिजल्ट, ग्राफ एरर मैसेज, एंड ये हमारे पास एक फंक्शन है गेट मैक्स एक्स, गेट मैक्स वाई, एंड सेट कलर, एंड आर। आर कितने आर्गुमेंट लेता है ये मैंने आपको बता दिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आर्गुमेंट भी लिख दे रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा स्टार्ट एंगल, एंगल एंड होता है क्या रेडियस, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये वीडियो रहा, इसका रहा कोड, इसको एक बार देख लीजिएगा।